पठान के ओपनिंग डे पर अब फिल्मी पंडितों ने खुला ऐलान कर दिया है। फिल्म को लेकर अब क्रिटिक और ट्रेड पंडितों ने भविष्यवाणी कर दी है। फिल्म 25 तारीख को अच्छे नंबरों से पास होगी या नहीं, इस बात का खुलासा खुद फिल्म के पंडितों ने ही कर दिया है। जी हाँ, इन पंडितों ने बता दिया है कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस गणित शानदार रहने वाला है, क्योंकि शाहरुख की पठान को लेकर हाइप तो एक अलग ही लेवल पर है और इसका सीधा फायदा फिल्म के रिलीज के साथ ओपनिंग डे पर साफ साफ दिखेगा। दरअसल फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने एक न्यूज पोर्टल के साथ दिए इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है। फिल्म क्रिटिक ने बताया कि उनको पठान से बहुत उम्मीदें हैं। शाहरुख खान करीब 5 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। दिसंबर 2018 में उनकी पूरी फिल्म जीरो रिलीज हुई थी। इन सालों में उन्होंने कई फिल्मों में कैमियो किया, लेकिन पठान उनकी पूरी फिल्म है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि टिकट काउंटर पर पठान की शानदार शुरुआत होने जा रही है, साथ ही ये एक शानदार वीकेंड है। फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हो रही है और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है। इस दिन हॉलिडे होगा और जिसके बाद संडे है, लेकिन फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम और सलमान खान भी हैं। तो अब ये फिल्म पर डिपेंड करता है कि वो कंटेंट डिलीवर करे, क्योंकि हाइप और क्रेज के मामले में तो फिल्म हाई लेवल पर पहुंची हुई है। क्योंकि वजह चाहे जो भी हो, आपको इसका गाना पसंद आया हो या नहीं, आपको इसका ट्रेलर पसंद है या नहीं, आपको इसका टीजर पसंद है या फिर नहीं, चाहे आपको इसका पोस्टर पसंद आए या ना आए, लेकिन इसका बस बहुत ही हाई है। तो आम आदमी में फिल्म देखने को लेकर एक्साइटमेंट भी तगड़ा है। ऐसे में फिल्म के जरिए लोगों के बीच बनाए गए हाइप के बारे में फिल्म के पंडित का कहना है कि नॉन फिल्मी लोग पठान के बारे में दिलचस्पी ले रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वे फिल्म के बारे में और भी ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं। और तो और, इसका क्रेज और ज्यादा तब और बढ़ा जब फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ। इसने दर्शकों के बीच काफी एक्साइटमेंट ला दिया था। इस लिहाज से क्रिटिक्स को लगता है कि पठान अपने ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर बवाल करने वाली है। खबरें आ रही हैं कि फिल्म की एडवांस बुकिंग का कपाट मकर संक्रांति के मौके पर यानी कि 14 जनवरी को खोल दिया जाएगा। यानी फिल्म रिलीज से पहले दर्शकों के पास पूरा 10 दिन का वक्त मिलने वाला है, जिससे दर्शक अपने मन मुताबिक फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए टिकट्स बुक करा सकेंगे। हालांकि एडवांस बुकिंग को लेकर के बताया गया था कि विदेशों में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया था कि 28 दिसंबर से जर्मनी में पठान की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी के मल्टीप्लेक्स चेन की वेबसाइट पर फिल्म की टिकट बिक्री स्टार्ट कर दी गई है। बर्लिन, एसेन, डैमटोर जैसे 7 थिएटरों में 25 जनवरी को पठान के शो लगभग फुल हैं। खैर, आपको क्या लगता है, पठान पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में गर्दा उड़ाएगी? बताइए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।